अभी भी नया लॉन्च किया गया था रियल मी बर्ड्स के वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट, और आज के वीडियो में करने वाले दोस्तों इसकी एक डेप्थ रिव्यू की एक्चुअल के अंदर कितने यूजफुल होने आपके लिए आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पहले हम कर चुके हैं, और ये जो वीडियो है ये यहाँ पे हम इसको यूज करने के बाद, जी दोस्तों मैं इसको 5-6 दिन यूज कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आपके लेके आया हूँ। तो एक इन डेप्थ रिव्यू के अंदर मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि एक्चुअल के अंदर साउंड क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी, आप यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ पे वर्थफुल है, कहाँ पे वर्थफुल नहीं है, इन सभी क्वेश्चन का आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। सारे सेगमेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चीज दोस्तों, हम इस Realme Buds वायरलेस ब्लूटूथ का गिव अवे भी कर रहे हैं, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो आपको वीडियो के लास्ट से पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल के अंदर Realme Buds ये वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट आपके लिए कितने यूजफुल होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये बात करते हैं उसके लुक डिपार्टमेंट की, तो आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल के अंदर लुक पर कैसा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पे लुक देखने को मिल जाएगा। बटन्स वगैरह की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे दोस्तों 3 बटन देखने को मिल रहे हैं, एक है प्लस का, एक है माइनस का, बीच में लिखा है आर, ये दोनों वॉल्यूम बटन है, ये दोस्तों फोन को रिसीव और कट करने का काम आने वाला है। वही दोस्तों इसका एक और एडवांस फीचर भी है, जैसे आप इन मैग्नेट बर्ड्स को सेपरेट करते हैं इसका जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाता है, और जैसे उसको वापस से कनेक्ट करते हैं ये यहाँ पे ब्लूटूथ वापस ऑफ हो जाते हैं। ये सेगमेंट काफी यूजफुल है, बताता हूँ ये यूजफुल है कैसे। मान लीजिए आप जब इसको हटा के यहाँ पे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो जैसे आप इसको हटा के सॉन्ग सुनते हैं आपका फोन डायरेक्टली से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपने म्यूजिक सुनना बंद करके आप जैसे आप इसको लगा के रख देते हैं आपका ब्लूटूथ यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा बैटरी सेविंग भी है दोस्तों। मुझे लगता है Realme ने काफी अच्छा वर्क किया है इन मैग्नेटिक बर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली यूजफुल है। एक्चुअल में लगाने पर कैसे लुक दे देंगे, तो आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश कूल लुक दे रहे हैं। ये जो ब्लैक और जो येलो कलर जो कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली काफी आपको स्पोर्टी लुक दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप इनको पहन के रनिंग जॉगिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली काफी सूट करने वाले, यहाँ पे कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है। इसमें से बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको दिखाता हूँ इसकी जो क्वालिटी है ये यहाँ पे कितने फ्लेक्सिबल तक हो सकते हैं। एक छोटा सा मुझे इशू लगा है वो ये है कि जिसका जो नीचे का सेगमेंट है बटन्स वगैरह ये मुझे थोड़े से लो क्वालिटी के लगे हैं, बट ओवरऑल दोस्तों फ्लेक्सिबल और काफी है, और लाइट वेट भी काफी है। लाइट वेट और प्राइस के हिसाब से दोस्तों बात करता हूँ तो मुझे लगता है 1800 के अंदर इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं अबव एवरेज ही है, मैं अच्छी नहीं कहूंगा एवरेज इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी है, और लुक मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा है रिगार्डिंग इसकी प्राइस। काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यूजिलिटी की, आप पहन के कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इसको पहन के इजीली जिम के अंदर जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये इजीली क्योंकि काफी लाइट वेट है तो ये यहाँ से निकलने वाले नहीं है, आप यहाँ पे फिटनेस और यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग दोनों इसको पहन के कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ईयर्स के लिए भी काफी कंफर्टेबल है तो आपको यहाँ पे पेन वगैरह भी नहीं होगा, तो कंफर्टेबल के हिसाब से डेफिनेटली मुझे यूजफुल लगे हैं। कॉलिंग डिपार्टमेंट की एक्चुअल के अंदर कॉलिंग के लिए कितना यूजफुल होने वाला है आपको बताया था दोस्तों, आगे वाली की जो वॉइस है वो आपको इजीली यहाँ पे सुनाई दे जाती है, काफी क्लियर सुनाई दे देगी। थोड़ा सा जो नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि जो साउंड आएगी वो थोड़े से आपको हैवी नजर आएगी, इतनी यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आती है, बट ये मैनेजेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बात करते हैं इसके नॉइस कैंसिलेशन की कि कॉलिंग के टाइम पे आपकी आवाज आगे वाले बस कैसे पहुंचने वाली है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑफिस के अंदर यूज करने वाले हैं, घर के अंदर यूज करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको मॉर्निंग वॉक के अंदर जहाँ पे हल्की हल्की आवाज चलती है वहां पर दिक्कत नहीं आती है, आप इसको कार के अंदर भी इजीली पहन के ट्रेवल कर सकते हैं, बस और ट्रेन जहाँ पे पूरी विंडो क्लोज रहती है साउंड कम आती है वहां पे आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। बट देन जैसे आप बाइक के ऊपर ट्रेवल करते हैं, तो अगर यहाँ पे आप बाइक के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाउड कहना पड़ता है कि आगे वाला आपकी आवाज सुन सके, क्योंकि जो नॉइस कैंसिलेशन है वो इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1800 के अंदर इसका नॉइस कैंसिलेशन जो मुझे लगता है बहुत ही कम है कहीं ना कहीं मुझे यूजेबल लगा है, थोड़ा सा लाउड होने के बाद भी बाइक के ऊपर भी आगे वाला की आवाज सुन लेता है। मुझे लगता है दोस्तों कॉलिंग डिपार्ट के अंदर भी प्राइस के हिसाब से बात करता हूँ तो काफी यूजफुल ये ब्लूटूथ है। दोस्तों बात करते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो अगर बात करता हूँ बीट्स की तो बीट्स यहाँ पे काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं। बास के लिए दोस्तों इसके अंदर 11.2 mm के डायनामिक ड्राइवर गिवन है, तो बास यहाँ पे काफी अच्छा मिलने वाला है। आपको बताया था दोस्तों बीट्स और बास का जो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, स्पेशली जो बास है वो थोड़ा हैवी मिलने वाला है, इतना मैं क्लियर नहीं कहूंगा बट फिर भी बास काफी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं सिंगर की वॉइस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू नजर आया है। सिंगर की जो वॉइस है जो इंसान गा रहा होता है
उसकी आवाज थोड़ी सी हैवी आती है, थोड़ी सी मोटी आती है, इतनी क्लियर नहीं आती है, बट दोस्तों ओवरऑल बात करता हूं तो बीट और बास अच्छे हैं। तो क्लियरिटी के हिसाब से इसकी आवाज ज्यादा अच्छी लगी है कंपेयर टू रियलमी बर्ड्स 2 ईयरफोन। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल के अंदर इसकी साउंड कैसे आपको मिलने वाली है। और प्राइस के हिसाब से दोस्तों मुझे ज्यादा कंप्लेन नहीं है, ओवरऑल मुझे इसकी साउंड अबव एवरेज ही लगी है। तो अगर आप पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो वहां पे जो गन शॉट्स की आवाज है वो आपको काफी अच्छी आने वाली है, क्योंकि बास लेवल अच्छा है। तो यहाँ पे गन बॉम्ब वगैरह जितने भी जो मेन मेन वॉइस वगैरह है वो काफी अच्छी और क्लियर सुनाई दे जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। तो म्यूजिक और गेमिंग के अंदर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो हम कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे इसकी जो रेंज वगैरह है इजीली दोस्तों आपको 10 टू 12 मीटर तक की रेंज इजीली मिल जाती है। रेंज की कोई दिक्कत नहीं है। इवन दोस्तों मैंने इसको पहन के कार के अंदर ट्रेवल किया, बाइक के ऊपर ट्रेवल किया, नॉर्मल जॉगिंग रनिंग सब में मैंने ट्रेवल कर लिया है। दोस्तों बिल्कुल मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं मिला है, कोई भी कनेक्टिविटी इशू नहीं आ रहा है, प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कनेक्टिविटी यहाँ पे काफी प्रॉपर है और रेंज वगैरह भी काफी अच्छी है, तो आपको नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे भी रियलमी ने काफी अच्छा वर्क किया है। करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू नजर आया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि 12 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जब मैंने इसको यूज किया है तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिला है। बट आपको बताया था दोस्तों 70% ब्लूटूथ 6 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्राइस के हिसाब से काफी सही मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन था 12 आवर्स का बैटरी बैकअप को 70% वॉल्यूम पे सुना है, तो 8 आवर्स के आसपास मुझे बैटरी बैकअप मिला है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 8 आवर्स का बैटरी बैकअप भी काफी सही ऑप्शन है। बात करते हैं बाकी कॉम्पिटिशन की, एक्चुअल के अंदर इस रेंज के अंदर, फिर से थोड़ा सा नीचे है, फिर ऊपर की रेंज के अंदर और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक अभी भी जो कॉम्पिटिशन लॉन्च हुआ था वो है इसका MI नेकबैंड। तो यहाँ पे दोस्तों MI नेकबैंड के अंदर बास इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कि इसके अंदर अच्छा मिल जाता है, बट क्लियरिटी के हिसाब से दोस्तों जो वॉइस की जो क्लियरिटी है वो मुझे कहीं ना कहीं MI नेकबैंड की ज्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू रियलमी इस वायरलेस ब्लूटूथ के, बट बास यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। इसको तो बात करता हूँ बोट रोकर्स 255 की, तो वहां पे जो नॉइस कैंसिलेशन था वो इतना प्रॉपर नहीं था, इसका भी इतना प्रॉपर नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ 20% नॉइस कैंसिलेशन ज्यादा इसका अच्छा है। तो दोस्तों मुझे लगता है बोट रोकर्स 255 से ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये रियलमी बर्ड्स वायरलेस ब्लूटूथ है। इसका कॉम्पिटिटर है वो है सैमसंग लेवल यू, यहाँ पे काफी टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है। आपको बताता हूँ दोस्तों कॉरियन डिपार्टमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ है सैमसंग लेवल यू, जो कि काफी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करा देता है। दोस्तों कॉलिंग के हिसाब से मैं उसको रिकमेंड करूंगा, बट बात करते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो सैमसंग लेवल यू के अंदर आपको म्यूजिक अबव एवरेज मिल जाता है, बास इतना अच्छा नहीं मिलता है, बीट्स वगैरह आपको नॉर्मल मिलते हैं। वहीं पे रियलमी बर्ड्स के अंदर आपको बास अच्छा मिल रहा है, बीट्स आपको अबव एवरेज मिल जाते हैं, ओवरऑल दोस्तों म्यूजिक एक्सपीरियंस भी आपको सही मिल रहा है। आई थिंक दोस्तों कॉलिंग के हिसाब से सैमसंग लेवल यू ज्यादा अच्छा है, और म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर रियलमी बर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है, म्यूजिक के अंदर Realme Buds Wireless आपको थोड़े से ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। दोस्तों बात करता हूँ मेरे ओवरऑल ओपिनियन की, एक्चुअल के अंदर कितने वर्थफुल कितने यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज दोस्तों जो लुक है काफी इसका स्टाइलिश है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। सेकंड चीज दोस्तों जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मैं इसे इतना इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतने यूजफुल नहीं होने वाले। आई थिंक दोस्तों की जो लाइफ है, अगर मैं नॉर्मल यूज करता हूँ तो मेरे हिसाब से 3 to 4 मंथ्स इसकी लाइफ मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है। ही भी है प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपके ऊपर है कि कितना संभाल के उसको रखने वाले, बट मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी फ्लेक्सिबल होने के बाद भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, क्वालिटी में थोड़ा सा रियलमी को और वर्क करना चाहिए था। दोस्तों बात करता हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो यस प्राइस के हिसाब से बात करता हूँ तो के अंदर आपको बास अच्छा मिल रहा है, बीट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़े से रैप वगैरह ज्यादा सुनते हैं, फास्ट सॉन्ग सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा। मेरे दोस्तों अगर आप रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा जो सिंगर की वॉइस है वो इतनी नॉर्मल नहीं आ रही, थोड़ी सी हैवी आ रही है। दोस्तों जो फीमेल सिंगर होती है उसकी भी आवाज आपको लगेगा थोड़ी सी हैवी होके आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। बट दोस्तों प्राइस के हिसाब से बात करूं तो 1800 के अंदर डिसेंट आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाता है, कॉलिंग एक्सपीरियंस भी आपको दोस्तों डिसेंट मिल रहा है, नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, बट ओवरऑल दोस्तों मैनेजेबल है। आई थिंक दोस्तों 1800 प्राइस के अंदर Realme Buds Wireless ने कहीं ना कहीं काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बात करता हूँ दोस्तों मेरी रेटिंग की, तो मैं इसको 10 में से 7 स्टार दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। प्राइस काफी अच्छी है, लुक काफी अच्छा है, क्वालिटी एवरेज है, और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से 10 में से 7 स्टार मैं दे सकता हूँ। दोस्तों ये था आज का इन डेप्थ वाला वीडियो।
आशा करता हूँ मैंने सारे सेगमेंट यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे आपको रिप्लाई करने बहुत ही खुशी होगी। अभी दोस्तों बात करते हैं इसके गिव अवे की, तो आप में से कोई एक जी सकता है ये Realme Buds वायरलेस ब्लूटूथ, वो भी घर बैठे बैठे। रूल्स बहुत ही ईजी हैं, आपको दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नंबर टू, आपको मुझे कमेंट बताना है कि एक्चुअल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है, म्यूजिक, कॉलिंग या फिर दोस्तों उसका बैटरी बैकअप। और रूल नंबर थ्री, आपको दोस्तों इस वीडियो के लिंक को तीन लोगों के साथ शेयर कर देना है, और जैसे आप ये तीनों कंडीशन फॉलो कर लेते हैं आप एलिजिबल हो जाओगे ये Realme Buds वायरलेस ब्लूटूथ जीतने के लिए। और गिव अवे का नाम दोस्तों उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा जिस दिन यहाँ पे इस इन डेप्थ रिव्यू वाले वीडियो को और एक और वीडियो जो मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले डाल रखा है उन दोनों वीडियो को मिला के 1000 लाइक्स और कमेंट क्रॉस हो जाते हैं उसी दिन गिव अवे का रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की स्पेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक केयर, सेव ना, टाटा बाय बाय।